देखो ये क्या हो गया, बाइक में खील घुस गई भाई पूरी, बहुत बड़ा लोहा है ये। अच्छा, तो दादा दादी रहते थे वो गुजर। धन्यवाद दिया, वेलकम, थैंक यू। ये लो भाई, पता नहीं क्या आ गया, चमोली आ गया भाई। ये लो, जय बाबा की। और हवा बहुत तेज चल रही है और हालत तो बुरी हो गई है, धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी। और ये देखो भाई सामने का शहर कितना सुंदर लग रहा है आज। एक और दुविधा हो गई हमारे साथ, पहले हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब हो रही है सुबह के 9:30 और अब हम पौड़ी छोड़ के जा रहे हैं। हम बहुत दिन घूम लिए यहाँ पे, अब हम जा रहे हैं अपनी नई डेस्टिनेशन पे। कहाँ जा रहे हैं आपको रास्ते में पता लग जाएगा। और ये हो रही हमारी बाइक है रेडी। तो हमें बस रास्ते में छोटा सा काम है, हमारी जो लगेज है वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो इसके लिए हम पन्नी वगैरह या तिरपाल वगैरह ढूंढेंगे रास्ते में और फिर सीधा चलते हैं। तो ये कर दी हमने अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट। और मौसम चेक करो भाई, बारिश का मौसम हो रहा है। और ये है पंकज की मामा का गांव, सॉरी नानी का गांव, मतलब निशनी नाम है इसका। हम आए थे ऊपर से वहां से शुक्र। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने गोप्रो पे बहुत दिनों बाद। इतने दिन से भाई गोप्रो पे कुछ शूट नहीं करा क्योंकि भाई यहाँ का मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी, तो हमने गोप्रो को बहुत कम यूज करा। तो अब हम निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए। बाकी भाई नज़ारे देख लो, पूरा जंगल है यहाँ पे। यही जंगल हमने 3-4 दिन ना पाए भाई, बहुत घूमे यहाँ पे आसपास। तो चलो भाई आगे और जो होगा वो दिखा देंगे आपको। तो भाई रुद्रप्रयाग के लिए हम यहाँ से निकल तो गए भाई, लेकिन रास्ता सॉइल हो रखा है, मतलब बिल्कुल ख़राब हो रखा है। धड़ 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 करते जा रहे हैं, पत्थर वत्थर सब पड़े हुए हैं रोड पे, पर हम भी आराम आराम से चल रहे हैं, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। बाकी आप भी देख सकते हो कैसा रास्ता है। देखो पत्थर कितने पड़े हुए हैं रास्ते में, पोखरी। तो ये है भाई पोखरी, ये वाला पोखरी, ये अलग पोखरी है, तीन पोखरी है उधर। हम अब आ गए हैं पोखरी गांव में, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। बड़ा गांव भी है श्रीनगर, सीधा जाना ना। हाँ यही जाना है, यही जाना है। खेड़ा खा रुद्रप्रयाग निकलेगा, ये रुद्रप्रयाग। देखो ये क्या हो गया, बाइक में खील घुस गई भाई पूरी, बहुत बड़ा लोहा है ये। ये देखो, ओ भाई पता नहीं क्या क्या सीन हो रहा है भाई। अब ये घुस कैसे गया भाई? हाँ क्या हुआ? एक काम करना, जाना कहाँ है आपको? हम तो आगे जा रहे हैं बदरीनाथ। आप इतने जा रहे हो, ट्यूबलेस ना, इनको अकेले बैठाओ, अकेला ही होगा है ना। 35 किलोमीटर आ गया खाकरा, 35 नहीं होगा चाचा की बटन का। तो यार भाई देखने, इसमें लोहा घुसा हुआ है वो निकाल दे। ये देखो ये नहीं नहीं रहने दो, निकालो मत चाचा, निकालना येरा ना ना, मत निकालो निकालना मत, इसको निकालना चाचा, निकाल जाना, तो पंचर हो जाएगा, हवा निकल जाएगी सारी, ऐसे ही ले चल। अगर यहाँ पे आप चले जाओगे, एक मिनट मालूम, यहाँ पे खिड़का लगा के जस्ट मतलब 5-7 किलोमीटर। भाई एक बात सुनो, ठीक है, तुम राइडर हो वैसे, तुम्हें घूमते हो, तुम राइडर हो ना, करो ना, एक वो पंचर वाले भाई यूट्यूबर है क्या? फर्स्ट टाइम यूट्यूबर भैया। हाँ भैया, उसमें तो कोई मेहनत नहीं, एक्सप्लोर भी तब है भाई, मेरा गांव कराने, बल्कि मैं इसको आधा तोड़ यहाँ से ना, ये सिर्फ यही रहेगा। धन्यवाद अब है ना, अच्छा अभी नया स्टार्ट करा है, आते आते 50 हो गए। आप जैसे भाई मिल रहे थे रास्ते में। काम करो इसको या तो थोड़ा नीचे दबा दो, क्योंकि अड़ेगा जब टायर घूम, अड़ना होगा ना। चल ना, एक काम करो, वैसे हम दिल्ली रहते हैं। अच्छा अच्छा, दादा दादी रहते थे वो गुजर। धन्यवाद दिया, वेलकम, थैंक यू, बिल्कुल
हाँ बिल्कुल, धन्यवाद भैया। हाँ बिल्कुल, जाओ ना खेड़ा काल तक जाओ, मिल जाएगी। खेड़ा काल में जो है व्यवस्था मिल जाएगी, तो नहीं तो खाना मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद भैया। ये चूबा कहाँ पे? ये यहीं पे, ये रहा, यहाँ पे लोहे पड़े हुए हैं। हाँ तो भाई कुछ लोग मिल गए थे यहाँ पे लोकली, भाई बहुत अच्छे बंदे थे भाई, उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प करी और उन्होंने बताया कि भाई कैसे क्या करना है, क्योंकि भाई बहुत ही बड़ी कील घुस गई थी बाइक में। बाकी चलते हैं यार, क्योंकि पीछे जाते हैं तब भी इतना दूर है, आगे जा रहे हैं तब भी इतना दूर है। तो गाइस ये जा रहा है रास्ता रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ, तो हमें जाना है यहाँ से। चलो भाई, हम पहुँच गए फाइनली रुद्रप्रयाग, एंटर कर चुके हैं हम। तो हमने सोचा ये रुद्रप्रयाग थोड़ी बड़ी सिटी है, यहाँ पे मिल जाएगा इजीली। तो यहाँ तो भाई फाइनली हमें एक दुकान मिली गई है, ये है, और इस पे हम टायर वगैरह देखते हैं। मिल गए, ये 34.5 का 140 साइज है, ये 140 डाल लो मजा आ जाएगा। कौन सी कंपनी के? किसके? कौन सी कंपनी के? जे जे ये फ्रेंड है। ये कितना है? ये पड़ेगा आपको 100, ये पड़ेगा आपको 2000। तो भाई ये हो गया, अब इसकी बाइक में काम शुरू, नया टायर लगवा रहे हैं इसमें। तो भाई ये निकल गया इसका टायर, देखो पूरा गंजा हो रखा है। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, एक मिनट पूरा गंजा हो रखा है। ये रहा वो बंदा, भाई नहा लिए अब नहा के रेडी। ये बंदा सुबह उठ के मुंह भी याद हो रहा है भाई। अभी इसके साथ में एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे कुछ खाने जा रहे हैं, इतने टायर लग जाएगा। ये रहा, क्या नाम है इसका, श्री रघुनाथ। यहाँ से कुछ खाते हैं, बाकी मेरा बैग भी इधर उधर भाग रहा है, इसको भी सेट करेंगे आके, थोड़ी एनर्जी चाहिए, पहले कुछ खाने जा रहे हैं। तो ये आ गया हमारा खाना, फटाफट खाते हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि तो भाई ये लग गए दोनों टायर इसमें, आगे का भी और पीछे का भी। बस अब सामान बांध कर फटाफट निकलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। तो भाई अब बद्रीनाथ है 131, करण प्रयाग रह गया 8 किलोमीटर। तो गाइस अब हमने ब्रेक लिया, यहाँ पे बिल्कुल मौसम बदल गया है, और ये देखो ये दोनों आगे चल रहे थे भगते, और भाई साहब ये देखो फूल दिखा पेड़ों पे पीछे, ये देखो भाई, और हवा बहुत तेज चल रही है और हालत तो बुरी हो गई है, धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी। और ये देखो भाई सामने का शहर कितना सुंदर लग रहा है यार, इसके पीछे बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे थोड़ी देर पहले। तो अभी हमें और जाना है 90 कुछ किलोमीटर, तो चलते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। तो गाइज मौसम एकदम बिगड़ गया है, धूप कहाँ धूप में थे, ठंड होती जा रही है धीरे धीरे, और बारिश का मौसम हो रहा है और हवा चल रही है बहुत तेज। सामने ये चमोली है, सामने शहर में जाएंगे, थोड़ा कुछ सामान लेना है हमने, ये तो रास्ते में दिक्कत होगी। भाई ये देखो ये पर्पल वाला पेड़ भाई बड़ा ही सुंदर है, इनमें से है ना अभी हम जब खड़े हुए थे थोड़ा सा पीछे, इसमें से फूल झड़ रहे थे भाई, बहुत सुंदर लग रहा था। और भाई हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू होगी, जल्दी चलते हैं क्योंकि हमारे पे बैग के ऊपर डालने के लिए पन्नी नहीं है। तो ये आ गया, ये लो भाई पता नहीं क्या आ गया, चमोली आ गया भाई, ये लो जय बाबा की। ये हमारे साथ में अलकनंदा नदी चल रही है और हम आ गए चमोली में, भाई बहुत ही सुंदर शहर है चमोली। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं चमोली, चमोली की मार्केट, थोड़ा कुछ सामान लेना है यहाँ पे, और यहाँ से देख सकते हो ये रहा ये पूरी मार्केट। बाकी हमारा ये जो लगेज है ये वाटरप्रूफ नहीं है, मेरे पे रेनकोट तो है, बस लगेज के लिए हमें थोड़ा रेनकोट लेना है, वो तो हमारे दो बंदे वहाँ पे गए हैं देखने के लिए। तो भाई हमने यहाँ से थोड़ी शॉपिंग कर ली है, ये ले लिया इन दोनों ने रेनकोट जादू, और ये हमने पन्नी ले ली, यही मिली है, यही बांध देंगे हम अपने लगेज पे। नीलम मैडम ने कहा था,
सिस्टम। तो भाई अब चाय ब्रेक ले लेते हैं बिकॉज वी हैव नॉट टेकन एनी ब्रेक, सो लेट्स गो। लेट मी पार्क माय बाइक असाइड। तो ये हो गया भाई अपना सिस्टम पार्क। तो भाई अब हमने लिया चाय ब्रेक। जगह का नाम क्या भैया बताना फिर से? खनोटी नाला। खनोटी नाला कितनी दूर है यहाँ से? बद्रीनाथ 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो भाई ये देखो भाई, और भाई बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे बहुत ठंड होने वाली है, तो अपने को तो पूरा स्टॉक है भाई। तो भाई फटाफट से नाश्ता करते फिर आगे निकलते क्योंकि रात हो रही है। तो ये आ गई हमारी चाय। मम्मी और आगे ठंड में चाय के मजे ले जा रहे हैं, घर पे बात हो रही है। यहाँ पे लग गया है जाम भाई, अब रुके हुए हैं, बाकी पूरा नीला बादल हो गया है। ये देखो भाई कितना जाम लग रहा है। तो भाई अब पहुंच गए हम जोशीमठ, और एक और दुविधा होगी हमारे साथ। पहले तो ये देखो बंदा परेशान बैठे बैठे भाई, बाइक की गई क्लच प्लेट खराब हो गई, और भाई बारिश हो रही है बढ़िया, और ये हमारी बाइक ओके है। इसको देखो पर 8 बज की थी। तो भाई हम लोग अब जोशीमठ में ही रुक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है और आगे का रास्ते का पता नहीं। ये लगा दी हमने यहाँ पे बाइक, उसकी बाइक ठीक हो रही है, और ये है होटल, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है, और हम आपको अपने रूम में लेके चलते हैं। चलो तो ये रहा रूम, ये डबल बेड है ये रहा, और ये हमें सिर्फ मात्र 1300 रुपये में पड़ा ना। हमने कुछ महंगा कुछ लिया नहीं, हमें डिसेंट सा रूम है और डिसेंट सा प्राइस है। और देखो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ये देखो। यहाँ से बद्रीनाथ कुछ 40 किलोमीटर दूर है, सुबह उठेंगे सुबह चले जाएंगे। चलो बाय। Watch out if you ignite him, he's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day.